हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरू कृष्ण में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये मैंने छोटी सी लौकी ले ली है, इसको अच्छे से छील लेंगे। ये लौकी जो है आधा किलो के आसपास है। देखिए इसका डंठल के भाग को हटा देंगे और इसको छीलते हुए अच्छे से साफ कर लेंगे। थोड़ी सी भी इसमें जो ग्रीन वाली इसकी छिलकी होती है नहीं रहनी चाहिए। क्या आप लोगों को पता है लौकी वेट लॉस का भी काम करती है और बहुत अच्छे से शरीर पर वर्क करती है। स्टार्ट हो गई है नवरात्रि, तो आप ये मिठाई जरूर घर पे बना सकते हैं। लौकी का बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी, ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फैमिली और व्यूअर्स को शेयर करूं इतनी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। और ये जो है जितने व्रत में खाए जाते हैं सारे सामान इसमें पड़ेंगे, अदर कोई सामान नहीं पड़ेंगे, तो आप इसमें बने रहिएगा। मैंने लौकी को स्लाइसिस में कट कर ली है और दो पानी से धुल ली है। तो इस तरह बीच में स्क्वायर में कट कर देंगे। स्क्वायर में ही कट करना है, बहुत ही अच्छे से इसका स्वाद लगेगा। तो ऐसे ऐसे कट के सारे लौकी को मैंने कट कर दी है। आप अपने व्रत में क्या खाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करके आप लोगों को शेयर करूँगी। इसी तरह सारे लौकी को पहले स्लाइसेस में कट की और इस बीच में स्क्वायर में कट करके रख दी हूँ। अब एक पानी से धुल के रख देती हूँ साइड में। इधर मैंने एक कप दूध ले ली है। दूध के हिसाब से मैं दो इलायची ले ली हूँ, उसको कूट लूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर होगा तो एक छोटी चम्मच डाल सकते हैं। तो कूट के मैं क्या करूँगी, दूध में डाल दूँगी। अगर आपके पास केसर धागे भी होंगे तो उसे भी डाल सकते हैं, दूध में भिगो के साइड में रख देंगे तो इसके फ्लेवर इसमें आते रहेंगे। तब तक इसके इधर मैं चाशनी रख दी हूँ। चाशनी के लिए एक पाव 250 ग्राम चीनी और 200 ग्राम पानी डाली हूँ। ज़्यादा नहीं करना है, जितनी लौकी उसकी क्वान्टिटी के हिसाब से चाशनी हमको बनानी है। तो उसमें मैंने चीनी पानी डाल के और दो इलायची मैंने कूट के डाल दी है। तो इस तरह इसको बना लेंगे। एक ही तार आनी चाहिए, तो एक ही करके जो मैंने लौकी को धुल के रखी हुई थी सारे रिंग को इसमें डाल दूंगी। डाल के इसको 20 मिनट तक इसमें कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। 15 से 20 मिनट से आप उसको कुक कर सकते हैं, जैसे आपकी लौकी हो। लौकी बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बहुत ही टेस्टी बनता है इसकी मिठाई, आपके मुँह से इसका स्वाद आप भूल ही नहीं सकते। मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है और मैं खा भी रही हूँ अभी भी। तो इस तरह इसको बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। तो अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ, इधर पैन चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह ये बॉयल होता रहेगा। अब इस बीच में उलट पलट करते इसको चलाते रहेंगे। ये बहुत ही यूनिक और कुछ टेस्टी रेसिपी ऐसा है जो आप फ्रिज में रख के महीनों खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करके मुझे बताइएगा। ये मेरी मम्मा बनाती थी और बहुत ही रख के कितने दिनों तक हम लोग सुबह में इसको खा के पानी पीते थे, उसके बाद नाश्ता करके स्कूल जाते थे। तो ये कुछ खोआ ले ली हूँ। खोआ मेरा 100 ग्राम के आसपास है। उसको चाकू की सहायता से बारीक बारीक से ऐसे मैंने चॉप कर ली है, चॉप करके रख दी हूँ। आप चाहे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं तो उसमें ज़्यादा झंझट हो जाता है। चाकू की सहायता से तुरंत हो गया, फ्रेश खोआ था। तो मैंने क्या किया, एक चम्मच घी डाल दिया। पैन थोड़ा गर्म हो गया था तो घी डाल दी। घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं खोआ को डाल दूंगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह थोड़ी सी घी डाल के खोआ डालिए, खोआ बहुत ही रिफ्रेश हो जाता है। तो पता चलता है कि हमारा खोआ बहुत ही ताज़ा है। इसको पलटे की सहायता से टैप टैप करते प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे। देखिए अच्छे से, देखिए घुल गया है इसमें। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग इस व्रत में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए चीनी मैंने 80 ग्राम के आसपास डाल दी है, क्योंकि 100 ग्राम खोआ में 80 ग्राम जितनी मीठा आप लोग को पसंद है उसके हिसाब से डाल देंगे। इसमें दूध और इलायची पाउडर जब मिक्स की हुई थी उसको भी हम डाल देंगे और थोड़ी देर इसको पका लेंगे। तब अगर आपके पास नारियल बुरादा हो तो डाल दीजिए, नहीं तो नारियल हो सूखा या ताज़ा फ्रेश तो उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो मैंने नारियल बुरादा 5 चम्मच के आसपास डाल दी है और 8 बादाम और 8 काजू, उसको बारीक बारीक सा मैंने अभी कट कर रही हूँ। और ऐसे चलाते रहेंगे, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, सरफेस में लग ना जाए तो चल भी सकता है। ये रेसिपी ऐसा है, आप चाहें तो नवरात्र में, नवरात्र के एक दिन पहले बना के रख सकते हैं और 9 दिन मॉर्निंग में इसका पानी पी सकते हैं। तो कुछ मीठा खाने का सुबह सुबह मन सभी को करता है, तो इस तरह ये बहुत हेल्दी रेसिपी भी है। और देखिए मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट चाकू की सहायता से बारीक बारीक कट की हुई थी उसको भी डाल दी हूँ। इसमें मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सूखा होने तक इसको भून लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह भुना रहा, इधर देख लेते हैं 20 मिनट्स हो गए हैं, अच्छे से कुक हो गया है मेरा लौकी का रिंग जो बनाई थी। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच गुलाब जल
ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना केसर के धागे डाल दीजिएगा। तो इस तरह इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, थोड़े से फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएंगे। मैंने तो ट्राई कर लिया, अब आप लोग कब ट्राई कर रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही लजीज बनेगा, आप अदर मिठाई खाना भूल जाएंगे और हफ्ते में 2-4 बार ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। नवरात्रि आ ही चुकी है तो बहुत सारे लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो ज़रूर इसको बना सकते हैं। और हेल्दी मिठाई है ये, अदर मिठाई से अपेक्षा ये बहुत ही हेल्दी मिठाई है। तो इस तरह ये जो मावा मैंने भून रही थी वो अच्छे से भुना गया है, तो साइड में इसको रख देते हैं। इधर जो चाशनी में मैंने लौकी करेंगे डाली हुई, तो उसको एक एक करके निकाल लेंगे, विदाउट चाशनी निकालनी है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी 1 चम्मच के आसपास चाशनी थाली में रख सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारे लौकी के रिंग को निकाल लेती हूँ थाली में, ऐसे करके निकाल के रख लेती हूँ। देखिए शुगर सिरप के साथ नहीं निकालनी है, बस एक एक करके ऐसे निकालनी है। तो मैंने सभी लौकी के रिंग को निकाल ली है, अब इसको लाइन वाइज सजा देते हैं। अगर चाशनी बच जाए तो उसमें आटा का घोल बना के चीला बना सकते हैं, मुझे चीला बनाना था इसलिए चाशनी ज़्यादा बना ली है। और अगर मावा भी बच जाए लड्डू बनाकर नारियल के बुरादा से कोटिंग करके बना सकते हैं। तो आप लोग इस तरह यूज कर सकते हैं। तो मैंने प्लेटिंग कर दी है, अब गार्निश कर देते हैं। तो जो मावा रेडी हो चुका है, तो एक एक चम्मच करके इसके ऊपर डालते जाएंगे। जब खाएंगे इसके स्वाद ना मुंह में घुल जाएगा, आपको बार बार बनाने की इच्छा होगी या बार बार खाने की इच्छा होगी। घर का खाना हो तो क्या कहना, आजकल तो पता ही है मार्केट में कितनी मिलावट चल रही है। तो अपने मन से जिस तरह आप बनाना चाहें उस तरह बना सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बहुत ही हेल्दी मिठाई ये बन सकती है। तो इस तरह जो नारियल का बुरादा है, काजू है, बादाम है, उसे गार्निश कर देंगे और रेडी है। इधर मैं प्लेटिंग भी कर देती हूँ, देखिए कैसा दिख रहा है, बहुत ही शानदार, टेम्पटिंग, लाजवाब, अमेजिंग सा। इसके फ्लेवर भी उसी तरह दिखेंगे, जिस तरह मैं बोल रही हूँ उसी तरह इसके फ्लेवर भी आएंगे, तो ज़रूर बताइएगा। और इधर मैं प्लेटिंग में ले ली हूँ, आप चाहें तो शुगर सिरप भी डाल सकते हैं अगर किसी को पसंद हो तो ज़्यादा मीठा। तो मैं विदाउट शुगर सिरप ली हूँ, थोड़ी सी शुगर सिरप देना है बच्चों को, तो बच्चों को थोड़ा मीठा पसंद होता है तो उनको देना ही पड़ता है। थोड़ा सा ऊपर से नारियल का बुरादा डाल दी हूँ ग्रेट करके, देखिए। तो इस तरह प्लेटिंग करके आप किसी को भी दे सकते हैं। और मैं तो चली खाने, मेरा जीभ लप 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 कर रहा है, मेरा तो मोस्ट फेवरेट मिठाई है ये। और देखिए मैंने इस तरह सारे थाली में कर दी है और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कितना स्वादिष्ट है। मेरा तो अभी से जीभ लप लप आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाई दूँ। इधर मैंने बच्चों को दे दिया था कुछ एक दो, वो लोग खा के तारीफ ही तारीफ कर रहे थे। कैसा लगा आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय माय फ्रेंड्स।